पटना पुलिस लाठी चार्ज करके गठबंधन सरकार को बदनाम करने की कर रही है कोशिश। अमरेश। पटना में आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज बीजेपी की सोची समझी साजिश है और महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की कोशिश। जब एनडीए की सरकार थी, सारे पदाधिकारी उसी समय के नियुक्त हैं और वह उसी के इशारे पर अभी भी चल रही है, जिसने संघियों के इशारे पर शिक्षक अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठी चार्ज करने का कृत्य करने का काम किया है। इसे हमारा संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उपयुक्त बातें। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिसिया लाठी चार्ज के खिलाफ पटना जिला प्रशासन का पुतला दहन करते हुए AISF के बेगूसराय जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार और पूर्व जिला मंत्री विश्वविद्यालय संयोजक किशोर कुमार ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन मांग करता है कि एनडीए सरकार के समय जो भी नियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी का तबादला हो और तत्काल प्रभाव से पटना SDM को नमस्कार। आप देख रहे हैं आरटी भारत। मौजूद हूँ बेगूसराय के कोऑपरेटिव कॉलेज में, जहाँ AISF के छात्रों के जो है नीतिक शिक्षा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सीधे तस्वीर में देखे थे कि जो प्रशासन है, पटना पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, वो जो है नीतिक शिक्षा के एक छात्र को बेरहमी से पीटने का काम किया। आप तस्वीर में देखे थे कि सोशल मीडिया पर वो वायरल वीडियो जो है खूब वायरल हुआ है। लगातार जो है अब बिहार में महागठबंधन की सरकार के बाद भी प्रशासन की जो है मनमानी बढ़ती ही जा रही है और जंगल राज का जो है दर्जा अब दिया जा रहा है। हमारे साथ ये सब में जिला अध्यक्ष अमरेश जी, अमरेश जी से पूछना चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार है और जो है आपके उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव बोले कि ये गरीबों का सरकार है, ये आपका सरकार है, तो किस तरह का आपने जनताओं को क्यों लागू किया? देखिए, बिल्कुल जो अभी सरकार है गरीबों की सरकार है, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सत्य बोले हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से भाजपा अलग हुआ है, सबसे बौखलाहट आप देख रहे हैं, चाहे गिरदाते सारे पर अभी प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल अभी आप हम देख सकते हैं। कल की घटना है, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर पथरा हुआ है, ये काफी दुखद घटना है। हम सीधे तौर पर पहले भी तो हुआ है, निश्चित तौर पर जब तक भाजपा बिहार में बेघर रहेगा, निश्चित तौर पर तब तक ये काला कानून लगा रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा सरकार लगातार छात्रों का आवाज बुलंद कर रहे हैं, लगातार गरीब बुजुर्गों का आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो कल पटना के अंदर जो घटना घटी है, शिक्षक पर जो घटना घटी है, ये काफी दुखद बात है। मैं सीधे तौर पे SDM को वहां से बर्खास्त करने की मांग करता हूं और कह देना चाहता हूं, अगर बर्खास्त नहीं हुआ तो आर पार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सरकार के खिलाफ हम मोर्चा, जब छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, निश्चित तौर पे अगर सरकार के अंदर प्रशासन नहीं काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे हम सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार अभी जो काम कर रही है, छात्रों के लिए काम कर रही है, गरीब मजदूर के लिए काम कर रही है, ये काफी सराहनीय कार्य है। लेकिन मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ, आप प्रशासन को अंदर कीजिए, भाजपा के इशारा पर प्रशासन को चलने से बंद करवाइए। चलिए, भाजपा के इशारों पर, यहाँ अमरेश कुमार ने बताया कि अभी भी प्रशासन जो है सरकार की नहीं सुनती है, भाजपा की सुनती है। अब किस तरह रूप में देख रहे हैं, यहाँ इससे पहले जो है सरकार की, उसमें भी लाठी चार्ज लोगों को खाना पड़ता था, शिक्षक से लेकर विद्यार्थी से लेकर, अब महागठबंधन की सरकार में भी खाना पड़ता है। निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार हो या NDA की सरकार हो, हमारा संगठन स्वतंत्र छात्र संगठन है, देश का पहला छात्र संगठन है। अगर सरकार गलत करती है तो हमारा संगठन उसका विरोध करेगा, चाहे सरकार किसी का हो, महागठबंधन का हो या NDA का हो। सरकार अगर गलत कर रही है तो हम गलत का विरोध करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जो KK सिंह है, ADM जो है, उसको तत्काल बर्खास्त कर सरकार, नहीं तो हमारा संगठन आने वाले समय में आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जिसकी सारे जगह सरकार को मुख्यमंत्री तो बताएं कि जांच दे दिया गया, बैठाने का काम किया गया, जो दोषी होंगे उसे मैं स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।